हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एन अकेडमी एंड वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट चैनल। दोस्तों सभी का अभिनंदन है मेरे मित्रों, नेट के यूट्यूब चैनल पर एन अकेडमी एंड वाईफाई स्टडी पर स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। और आज अपन इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट तीसरा जो है वो पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम भारत की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके दो पार्ट भारत का सामान्य परिचय है और भारत के भौतिक प्रदेश में आपको करा चुका हूँ। तीसरा पार्ट आज अपन पढ़ने वाले हैं भारत की नदियां। स्वागत, सेशन को शेयर कर दें सभी बच्चों को, जिससे कि भारत का भूगोल जिन जिन एग्जाम में आता है उनका सभी का फायदा हो। और पीडीएफ आपको पिन करवा देंगे, अवेलेबल हो जाएगी, तो आप हमारे साथ में जुड़कर पढ़ सकते हैं। राजेंद्र शर्मा के नाम से मेरी अन अकेडमी पे प्रोफाइल है मेरे मित्रों, तो आप मुझे राजेंद्र शर्मा के नाम से अन अकेडमी पे सर्च कर सकते हैं। और मेरा नया बैच फाउंडेशन यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए कंप्लीट पेपर सेकंड और कंप्लीट पेपर फर्स्ट के लिए 5 दिसंबर से आ रहा है मेरे दोस्तों। तो अन अकेडमी पे जुड़ने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज करें राजेंद्र10, अप्लाई करें राजेंद्र10 और 10% फीस में डिस्काउंट मिलेगा। आइकोनिक और प्लस दोनों कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने के लिए आप अपना सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ले सकते हैं मेरे दोस्तों। सब्सक्रिप्शन में आपको आइकोनिक और प्लस दो कोर्स मिलेंगे। आइकोनिक और प्लस दोनों में कोड अप्लाई कर सकते हैं। आइकोनिक और आपकी जो प्लस है इसमें जो अंतर क्या है, तो आपको देखो जैसे आपको कोर्स लेना है तो आपने आइकोनिक सेलेक्ट किया। आइकोनिक में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिल जाएंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लास मिल जाएगी, कोर्स का पीडीएफ मिल जाएगा, लाइव टेस्ट और क्यूज मिल जाएगा, पर्सनल कोच मिल जाएगा, आपको डाउट सेशन रहेगा। इधर आपको आइकोनिक जैसे आपने पहले सेलेक्ट किया, अब आपको प्लस सेलेक्ट करना है। प्लस में देखो बेस्ट एजुकेटर है, लाइव क्लास है, कोर्स का पीडीएफ है, लाइव टेस्ट और क्विज है, लेकिन आपको पर्सनल कोच और डाउट सेशन नहीं रहेगा। तो आपको यहाँ पे रेफरल कोड अप्लाई करना है राजेंद्र10। जैसे आप राजेंद्र10 अप्लाई करोगे तो आपको 10% फीस में डिस्काउंट मिलेगा मेरे दोस्तों। आप मन सेलेक्ट करके अप्लाई करके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। बेनिफिट्स देखो मेरे दोस्तों, आपको लाइव क्लास मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलती है, अनलिमिटेड आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है, कोर्स का पूरा शेड्यूल मिल जाता है, पर्सनल कोच होता है, स्टडी प्लानर, वीकली रिव्यू, बूस्टर सेशन, डाउट सेशन, इंटरव्यू की तैयारी और आपको स्टडी मटेरियल, सारे बेनिफिट्स आपको अनअकैडमी के प्लस कोर्स में मिलते हैं, प्लस प्लस आइकोनिक में। तो दोनों में से आपको अच्छा लगे जो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेफरल कोड यूज करना है राजेंद्र10, 10% फीस में आपको मिलेगा डिस्काउंट। कैपिटल अक्षर में आपको राजेंद्र10 यूज करना है मेरे मित्रों। स्पेशल क्लास फीचर्स की बात करूं मैं तो लाइव क्लास मिल जाती है, पोल्स का सिस्टम होता है, राइट हैंड का ऑप्शन होता है, क्लास मिस नहीं होती है, लेक्चरर्स के नोट्स होते हैं, कहीं भी आप बैठ के पढ़ सकते हैं। टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, जिसमें आप नदियों का पार्ट पूरा करेंगे। भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में हमने दो पार्ट्स पूरे कर चुके हैं, सामान्य भूगोल, सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन और भौतिक प्रदेश। दो पार्ट्स हम पूरे कर चुके हैं, आज तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं भारत की नदियां। भारत की नदियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे मेरे मित्रों। तो भारत की जो रिवर्स हैं उनकी अपन बात करेंगे और भारत की रिवर्स के बारे में जो जो पॉइंट्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में भी अच्छा आएगा और आपको समझना भी है क्योंकि आपके सिलेबस में टॉपिक है। ये मैंने दो पार्ट्स पूरे करा दिए थे आपको। भारत की नदियां, ये थर्ड पार्ट है, पार्ट थर्ड, तीसरा पार्ट है मेरे मित्रों भारत की नदियां। तो नदियों के बारे में अपन बात करेंगे। तो भारत में लगभग 400 नदियां हैं, भारत में लगभग 400 नदियां हैं मेरे मित्रों। और भारत में लगभग 400 नदियां हैं, छोटी मोटी जितनी भी बताएं, उन टोटल नदियों की बात कर रहा हूं, जिसमें से 14 बड़ी नदी हैं और 44 मंझली यानी कि छोटी नदियां हैं। बाकी कोई नाले हैं, कोई कुछ दूर बहती हैं, कुछ अंत प्रवाह हो जाती हैं। तो लगभग 400 नदियों के आसपास हैं, जिसमें से 14 बड़ी और 44 आपकी मंझली नदियां। कोई नदी जितने क्षेत्र का जल लेकर समुद्र में मिलती है
उसे नदी का बेसिन या द्रोणी कहते हैं। ये ध्यान रखना है, आपसे पूछ लेता है कि जल द्रोणी क्या होती है, नदी द्रोणी क्या होती है, नदी बेसिन क्या होती है, जल समर क्या होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब कोई नदी जितने क्षेत्र का जल लेकर समुद्र में मिलती है तो उसे नदी का बेसिन या द्रोणी कहा जाता है। यानी कि कोई भी नदी, यानी गंगा नदी है, गंगा नदी अपनी सहायक नदियों के नदियों का जल जब लेकर चलती है और समुद्र में मिलती है तो उसे गंगा नदी की बेसिन कहा जाता है, गंगा द्रोणी कहा जाता है। यदि बेसिन 20,000 वर्ग किलोमीटर से बड़ी है तो ऐसी नदियों को बड़ी नदी कहते हैं, और जिन नदियों का बेसिन 2,000 वर्ग किलोमीटर से छोटा होता है ऐसी नदियों को छोटी नदियां कहा जाता है। ध्यान रखना, यदि नदी का बेसिन 20,000 वर्ग किलोमीटर से बड़ा है तो ऐसी नदियों को बड़ी नदी कहते हैं, और जिन नदियों का बेसिन 2,000 वर्ग किलोमीटर से छोटा होता है तो ऐसी नदियों को छोटी नदियां कहा जाता है। किसी नदी में मिलने वाली सभी छोटी नदियों को उनकी सहायक नदियां कहते हैं। तो सहायक नदियों के बारे में सब बच्चे जानते हैं कि यदि मुख्य नदी में छोटी अनेक नदियां मिलती हैं तो उन्हें सहायक नदियों के नाम से जानते हैं। यदि कोई नदी दो शाखाओं में बट जाती है तो वह शाखाएं क्या कहलाती हैं? वितरिका कहलाती हैं। ध्यान रखना, यदि कोई नदी दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है तो उसे नदी की क्या कहते हैं? वितरिका। जैसे ये कोई नदी जा रही है और फिर इस प्रकार से नदी दो शाखाओं में बट गई है, ठीक है, तो इसे बोलेंगे नदी की वितरिका। नदी जिस क्षेत्र में समाप्त होती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। जिस स्थान पर जाके नदी समाप्त हो जाती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। मैदानी क्षेत्र में बहने वाली नदियां अपने साथ में सिल्ट या गाद लेकर चलती हैं तथा समुद्र तट पर इस सिल्ट से डेल्टा का क्या करती है? निर्माण करती है। ध्यान से समझना, एक पार्ट होता है एस्चुरी और एक होता है डेल्टा, ठीक है। डेल्टा और एस्चुरी में अंतर क्या होता है कि जब नदी जिस स्थान से होकर बहती है यदि उस स्थान से वो अवसाद प्राप्त कर लेती है, गाद जिसको बोलते हैं, सिल्ट जिसको बोलते हैं, अवसाद जिसको बोलते हैं, वो प्राप्त कर लेती है और उस गाद को तट के मुहाना जो होता है वहां ले जाकर जमा करने के बाद में फिर वो समुद्र में मिलती है, तो समुद्र में जब गाद के कारण वो वितरिकाओं में बढ़ जाती है तो उसे डेल्टा बोलते हैं, और जब नदी कोई हार्ड भाग से या चट्टानी भाग से होकर बहती है तो अवसाद की मात्रा कम होती है, गाद और जो सिल्ट होती है वो कम मात्रा में होती है मेरे दोस्तों, इससे वितरिकाएं नहीं बनती हैं और उसे बोलते हैं ऐश्वरी। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यदि नदी फतरीले इलाके से प्रभावित होती है तो डेल्टे के स्थान पर ऐश्वरी का निर्माण करती है, जैसे भारत की नर्मदा और ताप्ती नदी ऐश्वरी का निर्माण करती है। ध्यान रखना है आपको, मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था कि नदी ऐसे स्थान से होकर बहती है जहां से अवसाद ज्यादा मिलता है तो उसे हम कहते हैं, जब मुहाने पर उस अवसाद का जमाव करेगी तो वहां बनता है डेल्टा, और नदी जब फतरेली भाग से होकर बहती है तो अवसाद की मात्रा कम प्राप्त होती और ऐश्वरी का निर्माण होता है। भारत में ऐश्वरी बनाने वाली प्रमुख नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, ये आपको ध्यान रखना है। यदि नदी दो पर्वतों के मध्य से प्रभावित होती है, जैसे कि आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, जैसा कि आपको पहली स्लाइड में मैंने दिखाया था, यदि नदी दो पर्वतों के मध्य प्रभावित होती है तो उसे रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। यदि नदी दो पर्वतों के मध्य प्रभावित होती है तो रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी का क्या करती है? निर्माण करती है। आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने पहली स्लाइड में दिखाया था और फिर दिखा देता हूं, ये देखो दो पर्वतों के बीच से बह रही है तो ये किसका निर्माण कर रही है? रिफ्ट घाटी का। रिफ्ट घाटी, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो यदि नदी दो पर्वतों के मध्य प्रभावित होती है तो रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, और नदी इसे दिन प्रतिदिन गहरा करती रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। दो पर्वतों के बीच में जब कोई नदी बहकर जाती है ठीक है, तो वो भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, और भ्रंश घाटी को मतलब दिन प्रतिदिन गहरा करती रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गार्ज।
जैसे नर्मदा हुई, नर्मदा नदी जो है ये विंध्यांचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, ये आपको ध्यान रखना है। नर्मदा विंध्यांचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। चंबल नदी अपने मार्ग में महाखड्ड का निर्माण करती है। महाखड्ड का मतलब क्या होता है? बीहड़। महाखड्ड को क्या बोलेंगे हम? बीहड़ भी बोल सकते हैं, बीहड़, बीहड़, बीहड़ का निर्माण करती है। यह अत्यधिक भूमि काटन के लिए जानी जाती है। चंबल नदी भूमि कटाव के लिए जानी जाती है। भारत में सबसे ज्यादा भूमि कटाव करने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी, ध्यान रखना है, जिसको उत्खाद भूमि बोलते हैं। उत्खाद भूमि याद रखना, बीएड अंग्रेजी में बेडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं इसको। तो भारत में बेडलैंड टोपोग्राफी के लिए जिस नदी का नाम प्रसिद्ध है उसका नाम चंबल है मेरे मित्रों। और आपसे पूछे कि भारत में भूमि कटाव करने वाली नदी कौन सी है? चंबल। कोसी नदी अपने पथ से विचलित होती है, ठीक है ना, मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। जो कोसी नदी है ये अपने पथ से विचलित होती है, मार्ग बदलने के नाम से जानी जाती है। तो कोसी नदी मार्ग बहुत ज्यादा बदलती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पथ से विचलित होने वाली नदी कौन सी हो गई? कोसी। मार्ग बदलने वाली कौन सी हो गई है? कोसी। यदि कोई पहाड़ नदी के प्रवाह को प्रभावित करता है तो इसे जल विभाजक कहा जाता है, ध्यान रखना। जल विभाजक, देखो आपसे मैंने पहले भी बोला था, आपसे पूछता एग्जाम में जल समर क्या होता है, जल विभाजक क्या होता है, समझ में है ना। और आपके नदी बेसिन क्या होती है या नदी द्रोणी क्या होती है। तो यदि कोई पहाड़ नदियों के मार्ग में अवरोध का काम करे, यानी कि नदी के प्रवाह को प्रभावित करता है, तो उसे कहा जाता है जल विभाजक, याद रखना है। जैसे अरावली पर्वतमाला जो है ये जल विभाजक का काम करती है, अरावली पर्वतमाला जो है ये जल विभाजक का काम करती है। कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं तो कुछ नदियां अरब सागर में गिर जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि यदि कोई पहाड़ या फटार या कोई पर्वत कोई भी नदी के प्रवाह के मार्ग में अवरोध का काम करता है तो उस पर्वत को जल विभाजक पर्वत कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला अभी एग्जाम्पल दिया था। और भारत का पश्चिमी घाट ये क्या है? प्रसिद्ध जल विभाजक है, प्रसिद्ध जल विभाजक है। भारत का पश्चिमी घाट भी जल विभाजक का काम करता है और भारत में अरावली पर्वतमाला भी जल विभाजक का काम करती है। भारत की 70% नदियों का जल कहाँ जाता है? बंगाल की खाड़ी में जाता है। और 23% नदियों का जल कहाँ जाता है? अरब सागर में जाता है। तो ये फैक्चुअल चीजें आपको याद रखनी है। आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछेगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है ना, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो भारत में जल विभाजक करने वाला कौन सा हो गया? अरावली हो गया और पश्चिमी घाट हो गया, मेरे मित्रों आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपको ये भी याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के कुल अपवाह तंत्र का कितना प्रतिशत जल नदियां बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती हैं? तो 77%। और भारत के कुल अपवाह तंत्र का कितना प्रतिशत जल नदियां अरब सागर में लेकर जाती हैं? तो 23%, आपको याद रखना है। कुल मिला के बात यह है कि बंगाल की खाड़ी में नदियां अधिक गिरती हैं, अरब सागर में नदियां कम गिरती हैं। प्रवाह की दृष्टि से भारतीय नदियों को दो वर्गों में बांटा गया है, एक पूर्ववर्ती अपवाह होता है, ठीक है, और एक अपवर्ती अपवाह होता है, ध्यान रखना है। अपवाह को, अपवाह की दृष्टि से भारत का जो नदियों का भाग है उसे दो भागों में बांट दिया, एक पूर्ववर्ती अपवाह एक अपवर्ती अपवाह। अब देखेंगे भाई साहब पूर्ववर्ती अपवाह क्या होता है। तो पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती अपवाह एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो एंटीसीडेंट की अगर मैं बात करूं तो ये नदियां अपने मार्ग की बाधाओं को काटकर आगे बढ़ती हैं। हिमालय की नदियां इसी प्रकार की हैं। पूर्ववर्ती अपवाह का मतलब ये होता है कि नदी जिस रास्ते से बह रही है उसी रास्ते से होकर बहती है, यदि उसके मार्ग में कोई बाधा भी आ जाती है तो उस बाधा को वो क्या कर देती है? दूर कर देती है। जैसे सपोज करो जो हिमालय की नदियां हैं, तो आज भी हिमालय ऊपर उठ रहा है लेकिन नदियां उसी रास्ते से होकर बह रही है, वो उसको काट के बह रही है, गहरा गार्ज बनाकर बह रही है। तो ऐसी नदियां जो अपने रास्ते से पहले से बह रही है, आज भी उसी रास्ते से बह रही है, ठीक है ना, तो वो क्या करती हैं? वो नदियां उसको काटकर उसी रास्ते से होकर बहती हैं, इसलिए उनको बोलते हैं पूर्ववर्ती अपवाह। हिमालय की नदियां इसी प्रकार की नदियां हैं। नेक्स्ट है अपवर्ती अपवाह। ये नदियां ढाल की ओर बढ़ती हैं, यानी कि ढाल का अनुसरण करने वाली नदियां होती हैं, उनको बोलते हैं अपवर्ती अपवाह। क्लियर है?
ये नदियां ढाल की ओर बढ़ती हैं, ढाल का अनुसरण करती हैं, जैसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां इसी श्रेणी में। अब यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती है, और ऑप्शन में आपको नाम दे देगा, जैसे ब्रह्मपुत्र दे दिया और नर्मदा दे दिया, ऐसे नाम दे दे, तो याद रखना हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपवर्ती नदियां हैं। अपवर्ती नदी वो होती हैं जो ढाल का अनुसरण करती हैं, पूर्ववर्ती नदी वो होती हैं जो अपने पूर्व निर्धारित मार्ग का अनुसरण करती है। भारतीय नदियों को दो अन्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे हिमालय या उत्तर भारत की नदियां और प्रायद्वीप की नदियां। हिमालय या उत्तर भारत की नदियों की बात करें तो इन नदियों का उद्गम उत्तर भारत में कहां से होता है, ग्लेशियर से। इंपोर्टेंट चीज है, उत्तर भारत की नदियों का उद्गम कहां से होता है, ग्लेशियर से, ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या मेरे मित्रों? आपसे पूछा जा सकता है कि हिमालय की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल क्या है, तो ग्लेशियर है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हिमानी, ठीक है। और मोस्टली नदियां गोमती और पीलीभीत के दलदली क्षेत्रों से निकलती हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये एक भारत का नक्शा है, अब ये जो जितनी भी आपके नदियां दिख रही है, तो देखो इंडस नदी है, झेलम नदी है, रावी नदी है, चिनाब नदी है, ठीक है, सतलज नदी है, तो ये गंडक नदी है, कोसी नदी है, ठीक है, ये सारी नदियां क्या है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सब नदियां क्या है, हिमानी से निकलने वाली है, हिमानी से निकलने वाली नदियां हैं। व्यास नदी है जो मैंने रेड रेड मार्क्स मारा है, गंगा नदी है, समझ में है ना, यमुना नदी है, ये सब नदियां कहां से निकल रही है। देखो ये वाला अगर मैं पार्ट करूं, ए ये वाला, तो इसकी उत्तर की मोस्टली सहायक नदियां, ए ये वाला मैंने पार्ट बना दिया, इसके उत्तर से आने वाली मोस्टली सहायक नदियां, इसकी उत्तर से आने वाली मोस्टली सहायक नदियां जो है, ये सारी कहां से निकलती है, ये सारी गंगा नदी से, ये आपके हिमालय से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी नदियां हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, ये आपको याद रखना है, ये सारी हिमालय से निकलती है ये नदियां, ये सारी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। ये देखो मैंने डायग्राम बना दिया है, ये पूरा, ये देखो पूरा डायग्राम बनाया मैंने इसका, ये देखो पूरा डायग्राम बनाया इसका, ये पूरा डायग्राम बनाया, ये पूरा डायग्राम, ये नदियां वो हैं जो ग्लेशियर से निकलती हैं, ये नदियां ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां, ग्लेशियर से निकलती हैं। और बाकी की देखो इसकी सहायक नदियां, अब आपको पता ही है, जैसे चंबल हो गई है, ये है, ठीक है, लूनी नदी इसकी सहायक नदी नहीं है, ये थार मरुस्थल की प्रमुख नदी है, तो ये आपको याद रखना है। ये जो पहले अपन ने रेड कलर से की थी, ये सारी निकलने वाली नदियां ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां। नदियों का 1/4 जल ग्लेशियर के पिघलने से प्राप्त होता है, नदियों का 1/4 जल कहां से प्राप्त होता है, ग्लेशियर के पिघलने से प्राप्त होता है, आपको याद रखना है। 1/4 यानी कि चौथाई नदियों का 1/4 जल ग्लेशियर के पिघलने से प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है। विंध्यांचल और अरावली से निकलने वाली कुछ नदियां भी इन्हीं नदियों में मिल जाती हैं। कौन सी नदियों में मिल जाती है, उत्तर भारत की नदियों में, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियों में। हिमालय नदियां अपेक्षाकृत कैसी हैं, युवा अवस्था में है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं ये अपेक्षाकृत युवा अवस्था में है, तो जब कोई नदी युवा अवस्था में होती है तो उसका बहाव भी क्या होता है, तेज होता है, याद रखना है। जब कोई नदी युवा अवस्था में होती है तो उसका बहाव भी क्या होता है, तेज होता है। अभी इनका जो मार्ग है वो निश्चित नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, हिमालय से निकलने वाली नदियों का मार्ग निश्चित नहीं है, हिमालय से निकलने वाली नदियों का मार्ग निश्चित नहीं है, अतः इनमें बाढ़ आती रहती है। तो उत्तर भारत की नदियां बाढ़ के लिए विख्यात है, मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, इनका मार्ग निश्चित नहीं होता। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उत्तर भारत की नदियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, पहला दे देगा हिमालय से निकलने वाली नदियां अपेक्षाकृत युवा अवस्था में है, दूसरा आपको दे देगा हिमालय से निकलने वाली नदियों का मार्ग निश्चित नहीं है, तीसरा दे देगा हिमालय से निकलने वाली नदियों में अक्सर बाढ़ आया करती है, बाढ़ आने की संभावना रहती है,
तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और हिमालय से निकलने वाली नदियों का बहाव प्रायद्वीपीय नदियों के बहाव से तेज है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हिमालय से निकलने वाली नदियां आपको याद रखना है नरम धरातल से प्रभावित होती हैं, अतः मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। यानी कि मैदानी क्षेत्रों से प्रभावित होती है, आपको पता है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के जस्ट नीचे उत्तर का विशाल मैदान है, तो नदियां जब पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो मैदानी क्षेत्र से उनको गाद या सिल्ट या अवसाद की मात्रा ज्यादा प्राप्त हो जाती है और नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का क्या करती है, निर्माण करती है। तो ये नदियां नरम धरातल से प्रभावित होती है, अतः मुहाने पर डेल्टा का क्या करती है, निर्माण करती है। इन नदियों में वर्ष भर जल रहता है, इन नदियों में क्या रहता है, वर्ष भर जल रहता है, साल भर जल रहता है, अतः इन्हें सदावाहिनी नदी के नाम से भी जानते हैं। अतः इन्हें सदावाहिनी या सदा निरा नदियां भी कहा जाता है। उत्तर भारत की नदियों को मोस्टली सदावाहिनी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करूं तो इन नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। प्रायद्वीपीय भारत की मोस्टली नदियों का उद्गम कहां से होता है, पश्चिमी घाट से होता है। वर्षा जल से इनको जल आपूर्ति होती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को जल कहां से मिलता है, वर्षा के जल से, समझ में है ना। और पश्चिमी घाट इनका उद्गम स्थल है। ग्रीष्म ऋतु में इनमें जल का अभाव हो जाता है, इंपोर्टेंट लाइन है, परीक्षा में प्रश्न पूछता है, परीक्षा में प्रश्न पूछ ले भाई आपसे पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत की नदी बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो प्रश्न ये पूछेगा कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अपवाह को जल की प्राप्ति वर्षा से होती है। ग्रीष्म ऋतु में प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, समझ में आया ना। तो भाई साहब ये गलत है, ग्रीष्म ऋतु में प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जल की मात्रा कम हो जाती है। अब आपके जब एग्जाम में सवाल आता है तो आपको जो गलत होता है वो भी सही प्रतीत नजर आता है, समझ में आया। तो ग्रीष्म ऋतु में इनमें जल का अभाव होता है, कावेरी इसका एकमात्र अपवाद है। कावेरी इसका एकमात्र अपवाद क्यों है, क्योंकि कावेरी ऐसी नदी है जो आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून वह लौटते मानसून दोनों से जल प्राप्त करती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून वह लौटते मानसून दोनों से क्या प्राप्त करती है, जल प्राप्त करती है, यह आपको ध्यान रखना है। तो कावेरी इसका एकमात्र अपवाद है। ग्रीष्म ऋतु में इनमें जल का अभाव हो जाता है। कावेरी नदी ऐसी नदी है जो लौटते हुए मानसून से और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से क्या प्राप्त करती है, जल प्राप्त करती है, क्लियर। ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन दोनों ही मानसून से प्राप्त जल प्राप्त करती है, लिखा हुआ है। क्योंकि अपवाद क्यों है, क्योंकि ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन दोनों ही मानसून से जल प्राप्त करती है। प्रायद्वीप नदियां अपेक्षाकृत प्रौढ़ अवस्था में है और ये अपना मार्ग निर्धारित कर चुकी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि तुलना चल रही है हिमालय की नदियों में और प्रायद्वीप की नदियों में, दोनों में अपन तुलना कर रहे हैं मेरे परम मित्रों। तो हिमालय की जो नदियां हैं वो युवावस्था में है, वहीं प्रायद्वीप की नदियां प्रौढ़वस्था में है। हिमालय की नदियों का मार्ग निश्चित नहीं है, वहीं प्रायद्वीप की नदियों का मार्ग निश्चित है, यह आपको ध्यान रखना है। हिमालय की नदियों को जल ग्लेशियर से प्राप्त होता है, वहीं प्रायद्वीप की नदियों को जल वर्षा से प्राप्त होता है। ये चीजें आपको फैक्चुअल चीजें हैं, इनके बारे में थोड़ा। अब ये प्रायद्वीप की नदियां हैं, ये प्रायद्वीप की नदियां हैं, जैसे गोदावरी नदी है, ये गोदावरी नदी है, ये गोदावरी नदी है, ये देखो ये गोदावरी नदी है, ये पूरी आपकी कौन सी नदी है, कृष्णा नदी है। ये कृष्णा नदी है और ये कावेरी नदी है, ये कावेरी नदी है, देखो ये नदी इसी की है, ये कावेरी नदी है। बोगाई नदी है, ये बोगाई नदी है, मेजर नदियां बता रहा हूं आपको। और ये देखो महानंदा, अब देखो आपको दिख रहा होगा ये डेल्टा बना रही है सारी नदियां, ये डेल्टा देखो इस प्रकार से, ये भित्रिकाएं दिख रही है ना आपको, ये डेल्टा ही है, ये डेल्टा ही है। तो 70% पानी किसमें जाता है, नदियों का, बंगाल की खाड़ी में, और 23% जो पानी जाता है वो कहां जाता है, अरब सागर में, टोटल दोनों नदियों का, उत्तर की और प्रायद्वीप की। अब देखो अपेक्षाकृत,
ये प्रायद्वीप की जो नदियां अपेक्षाकृत सख्त भूमि पर बहने के कारण यहाँ छोटे डेल्टा का निर्माण करती है। सख्त भूमि, अब देखो हार्ड भूमि से याद रखना है, प्रायद्वीप की नदियां जो है नरम भूमि से बहती हैं, वो सॉरी हिमालय की नदियां, हिमालय की जो नदियां हैं वो अपेक्षाकृत नरम भूमि से बहती हैं, जबकि प्रायद्वीप की नदियां सख्त या हार्ड भूमि से बहती हैं, छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं। कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा मिलकर एक हो गया है। अब ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में पूछा है कि निम्न प्रायद्वीप की कौन सी दो नदियों का डेल्टा एक हो चुका है, तो कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा मिलकर एक हो गया है। ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, अभी किसी एग्जाम में पूछा था कि निम्न में से कौन सी प्रायद्वीप की नदियों का डेल्टा एक हो गया है, तो कृष्णा और गोदावरी का। ताप्ती के बाद अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ताप्ती के बाद में अधिकांश नदियां प्रायद्वीप की कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। कर्नाटक की शरावती, केरल की पेरियार इसका अपवाद है। कर्नाटक की शरावती नदी और केरल की पेरियार नदी इसका अपवाद है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि बंगाल की खाड़ी के विपरीत अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा है, जो 2525 किलोमीटर बहती है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, परंतु भारत में इसका अपवाह क्षेत्र मात्र 700 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो जवाब क्या दोगे, गंगा। भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो जवाब क्या दोगे आप, चौड़ी नदी का आंसर दोगे ब्रह्मपुत्र। याद रखना है, भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा, और चौड़ाई में देखोगे तो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की चौड़ाई 2900 किलोमीटर, लेकिन क्योंकि भारत में इसका अपवाह है जो 700 किलोमीटर ही है। तिस्ता सबसे तेज बहने वाली नदी है, तिस्ता सबसे तेज गति से बहने वाली नदी है। ब्रह्मपुत्र के पास सर्वाधिक सहायक नदियां हैं। अब ये सारे फैक्ट याद रखना है आपको, ये फैक्ट है ना, यू ही नहीं लिखे हुए हैं, याद रखना है। देखो भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी पूछे गंगा, भारत में बहने वाली सबसे चौड़ी नदी पूछे ब्रह्मपुत्र, भारत में सबसे तेज गति से बहने वाली नदी पूछे तिस्ता, भारत में सर्वाधिक सहायक नदियों वाली नदी पूछे तो ब्रह्मपुत्र। डन है भाई साहब, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, गंगा का बेसिन सबसे बड़ा बेसिन है। बेसिन समझ में आ गया होगा, गंगा का बेसिन सबसे बड़ा बेसिन है, समझ में आया ना, 9 लाख वर्ग किलोमीटर। और मैंने क्या बताया था, अगर 20,000 किलोमीटर से बड़ा कोई क्षेत्र होता है नदी का, तो उसे बेसिन कहा जाता है, ठीक है, बड़ी नदी कहा जाता है। तो गंगा का तो 9 लाख है, इसलिए गंगा नदी का बेसिन सबसे बड़ा बेसिन है। असम में सर्वाधिक नदियां हैं, असम में सर्वाधिक नदियां हैं। हरियाणा में एकमात्र नदी घग्गर है, हरियाणा में एकमात्र नदी कौन सी है, घग्गर, याद रखना है। क्लियर है, ये मेरे मित्रों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर, तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा नदियां किस राज्य में है, तो असम में। भारत में सबसे ज्यादा नदियां किस राज्य में है, तो असम में, ध्यान रखना है भाई, भारत में सबसे ज्यादा नदियां असम में है, और भारत में एकमात्र नदी घग्गर कौन से राज्य में, हरियाणा में। सबसे कम नदियां हरियाणा में और सबसे ज्यादा नदियां असम में। अब देखो टीएमसी, टीएमसी क्या है, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, नदी के जल की कुल मात्रा को व्यक्त करता है, नदी में कुल जल की मात्रा को व्यक्त करता है। क्यूबिक क्या होता है, क्यूबिक फीट पर सेकंड, नदी के जल के प्रवाह को व्यक्त करता है, याद रखना है, समझ में है ना, ये नदी के जल के प्रवाह को व्यक्त करता है, और वो नदी में कुल जल की मात्रा को व्यक्त करता है। अब जैसे ऐसे लिखा हुआ होता है ना मेरे मित्रों, ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ होता है, जैसे क्यूबिक ऐसे लिखा हुआ होता है, तो ये नदी में जल के प्रवाह को व्यक्त करता है, कितना बहाव है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट, अब सबसे पहले एक एक नदियों की बात करेंगे। सिंधु नदी, सिंधु नदी देखो दो पर्वतों के बीच से बहती है, दो पर्वतों के बीच से बहने वाली जो नदियां होती है वो क्या करती है मेरे मित्रों, ब्रंश घाटी का निर्माण करती है, और ये नदी इसको गहरा करती है,
इसको यानी कि जी आधार तल को गहरा करती है तो वो क्या बनाती है, गार्ज बनाती है। क्या बनाती है, गार्ज। अब सिंधु नदी की देखो, सबसे पहले सिंधु नदी, सिंधु नदी का एक एक पॉइंट याद रखना है, उद्गम कैलाश मानसरोवर से। मुहाना कहां गिरती है, अरब सागर में। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, झेलम, चिनाब, राबी, व्यास, सतलज, ठीक है। झेलम नदी उद्गम बैरीनाग से, मुहाना चिनाब नदी में, और सहायक नदी है किशनगंगा। दूसरा पॉइंट है चिनाब नदी कहां से, बारा लाचा दर्रे से। मुहाना किसमें, सिंधु नदी में। सहायक नदियां कौन सी है, चंद्र एवं भागा। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, फैक्ट को याद रखना है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, भारत में लद्दाख और जास्कर के मध्य से ले से गुजरती है। कौन सी दो पर्वत श्रेणियां हैं, लद्दाख और जास्कर के मध्य से ले से गुजरती है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है, याद रखना है, जो श्रीनगर है झेलम नदी के तट पर स्थित है। जम्मू चिनाब नदी के तट पर स्थित है, जब टेस्ट हुआ था एनसीईआरटी वाली किताबों से तो ये दोनों क्वेश्चन थे उसमें, समझ में है ना। उल्टा दिया हुआ था कि श्रीनगर चिनाब नदी के तट पर स्थित है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जम्मू जो आपका है जो चिनाब नदी के तट पर स्थित है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो उल्टा करके दे दे तो आपको याद रख लेना है। रावी नदी की बात करूं तो रावी नदी रोहितांग दर्रे से निकलती है। चिनाब नदी, अब देखो ये बिंदु याद रखना है पीछे, यहां से ये मुहाना है और ये उद्गम है और एक सहायक नदी है। तो रोहतांग दर्रे से मुहाना चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में, सहायक नदी कुछ नहीं। व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और मुहाना हरी के बैराज के पास सतलज में। सतलज नदी राक्षसताल झील से निकलती है और मुहाना चिनाब नदी में पाकिस्तान में, आपको याद रखना है। अब देखो लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है। लाहौर कहाँ पे है, रावी नदी के तट पर। हरी के बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। बांकड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। ये सारे जो फैक्ट है, इन फैक्टों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब देखो रिवर्स इंडिया, ये उत्तर भारत की नदियां हैं, दिख रही होंगी कौन से पहाड़ से कहां से निकलती है। सिंधु नदी का तंत्र, आराम से इसको देखो, देखो ये कैलाश मानसरोवर दिख रहा है, कैलाश मानसरोवर लिखा हुआ है मेरे बच्चों, आपको दिख रहा होगा कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर से ये नदी निकल कर जा रही है, देखो ए आपको मानचित्र दिख रहा होगा, फिर भी मैं आपको रेड से करके ये देखो, यहां पे ये प्रवेश कर रही है, ये देखो, फिर ले ले और फिर देखो ये लो भाई साहब, अब ये पर्वत श्रेणियां भी सारी बनी हुई है, ये आ गई। ये लो अब देख लो आराम से सारी पर्वत श्रेणी, बारा लाचा ये दर्रा देखो, यहां से नदी निकल रही है, जास्कर है, शोक नदी इसी की सहायक है, लद्दाख है, ठीक है, ये सारी पर्वत श्रेणियां हैं हिमालय की। और यदि आपको इससे, मैंने जो पेन से किया है तो मैं इसको इरेज कर देता हूं जिससे कि आपको बिल्कुल ये साफ, ये मानचित्र बिल्कुल क्लियर है, यदि आप देखोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगा, पूरा दिख रहा होगा, आराम से देख लो। सिंधु नदी है, पर्वत श्रेणी देख लो आप, सब बने हुए हैं। और ये जो पोल्स के हैं, बिजली बनाने वाला सिस्टम, ये पोल्स है, यहाँ पे बिजली देखो, ये बिजली बिजली के हैं, ये पर्वत श्रेणी देख लो आप कहां से कहां बहके जा रही है। अब बात करेंगे गंगा नदी की, किसकी, गंगा नदी की। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गंगा की सहायक नदी बाएं तट से मिलने वाली, बाएं तट से, ये परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछता है, गंगा में बाएं तट से मिलने वाली, गंगा में दाएं तट से मिलने वाली, तो बाएं तट से मिलने वाली राम गंगा, शारदा, शारदा को सरयू बोलते हैं, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा तथा दाएं तट से यमुना, टॉस, तमसा, सोन, दामोदर नदी मिलती है। विशेष गंगा उद्गम के समय भागीरथी के नाम से जानी जाती है। गंगा उद्गम के समय किस नाम से जानी जाती है, भागीरथी के नाम से। देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलने से गंगा का जन्म होता है। इस नदी को तीन भागों में बांटा गया है,
कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में, गंगा नदी को तीन भागों में बांटा गया है। अब देखो, सारनपुर तक इसे ऊपरी गंगा कहते हैं, सारनपुर से बनारस तक इसे मध्य गंगा कहते हैं, और बनारस से लेकर गंगा सागर तक इसे निम्न गंगा कहते हैं। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ऊपरी गंगा कहाँ स्थित है, मध्य गंगा कहाँ स्थित है, निम्न गंगा कहाँ पे स्थित है। बंगाल में गंगा दो शाखाओं में बढ़ जाती है, भारत में इसे भागीरथी और हुगली, और बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं। बंगाल में ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है मेरे मित्रों, तो भारत में इसे भागीरथी कहते हैं, हुगली कहते हैं, और बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं। पद्मा और ब्रह्मपुत्र के मेल से मेघना नदी का उद्गम होता है या उदय होता है। पद्मा और ब्रह्मपुत्र के मेल से कौन सी नदी बनती है? मेघना नदी। पद्मा और ब्रह्मपुत्र के मेल से मेघना नदी का उद्गम होता है। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, और स्वीस यानी कि मीठे पानी की डॉल्फिन, याद रखना है, को राष्ट्रीय जलीय जीव जंतु घोषित किया गया है, ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गंगा बेसिन अथॉरिटी का गठन किया गया है, जिसमें कुछ केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, कुछ राज्यों के जो प्रशासक होते हैं वो शामिल है, याद रखना। एनजीओ, एनजीओ का मतलब होता है आपके जो एनजीओ जानते होंगे, जो एक सोसाइटी बनाकर संघ बनाया जाता है वो एनजीओ होता है। तो कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, कुछ प्रशासक हैं, कुछ एनजीओ इसमें शामिल हैं, और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गंगा बेसिन अथॉरिटी का गठन किया गया है। नेक्स्ट, अब आपको गंगा नदी दिख रही होगी, पूरी गंगा की सहायक नदियां हैं, आराम से देख लो। देखो, यमुना नदी बंदरपूछ यमुनोत्री हिमनद से, भागीरथी गोमुख गंगोत्री हिमनद से, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी चोरी बारी हिमनद से, और बद्रीनाथ संतोपत हिमनद से अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी, और ये देखो आपकी मंदाकिनी नदी, और ये भागीरथी नदी बह रही है। अब देखो, विष्णुप्रयाग, जब अलकनंदा में जब धौली गंगा आकर मिलती है तो वो किस स्थान पर मिलती है? विष्णुप्रयाग में। और आपको याद रखना है, जो आपके नंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी है, ये नंदप्रयाग में अलकनंदा में मिलती है, पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिलती है, ठीक है। और आपके मंदाकिनी जो नदी है ये अलकनंदा में रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। तो ये क्रम भी पूछता है, सबसे पहले विष्णुप्रयाग, फिर नंदप्रयाग। नंदप्रयाग क्यों है? नंदाकिनी नदी के कारण, और ये है मंदाकिनी नदी, दोनों अलग अलग है, ये मंदाकिनी है, ये नंदाकिनी है। तो विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग, ओके। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा में मिलती है, तो देवप्रयाग, ओके मेरे मित्रों, समझ में आया ना। और फिर यमुना नदी प्रयागराज, जिसको बोलते हैं इलाहाबाद, प्रयागराज में किसमें मिल जाती है मेरे मित्रों? आपके गंगा में मिल जाती है। फिर नाम इसका क्या पड़ गया? देवप्रयाग के आगे इसका नाम क्या पड़ जाएगा? गंगा नदी। तो मेरे मित्रों, ये सारे प्रयाग आपको याद रखने हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट, साफ सुथरा, अच्छे से दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग है, और फिर उसके बाद में प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद है, ठीक है। फिर गंगा की सहायक नदियां क्रमबद्ध देखो, राम गंगा है, गोमती है, सरयू है, घाघरा है, राप्ती है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, महानंदा है, ये सारी सहायक नदियां हैं, आराम से देख लो। मानचित्र बिल्कुल साफ सुथरा है, अच्छा बना हुआ है, क्लास को शेयर भी जरूर करना, बहुत मेहनत की है हमारे दुलारचंद भाई ने, बहुत मेहनत की है, आभार उस भाई के लिए। अब नदी देखो, नदी की मैं बात करूं तो यमुना, यमुना का उद्गम यमुनोत्री से, मुहाना प्रयागराज गंगा में, सहायक नदियां हिंडन वरुणा सेंगर रिंद चंबल बेतवा केन, ये इसकी सहायक नदियां हैं। रामगंगा गढ़वाल हिमालय से निकलती है, मुहाना कन्नौज में गंगा में मिल जाती है। शारदा सरयू नदी मिलाप ग्लेशियर कुमायू हिमालय से निकलती है, बैराम घाट में इसका मुहाना है। घाघरा मापुचा चुंगी ट्रांस हिमालय से निकलती है, गंगा और छपरा बिहार में इसका क्या हो जाता है? मिलन होता है। गंडक नेपाल हिमालय से बिहार में सोनपुर के पास में ये मिल जाती है गंगा में। नेक्स्ट,
गोमती नदी की बात करूं तो पीलीभीत के दलदल से निकलती है, गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है, सई और बरना इसकी सहायक नदियां हैं। सोन अमरकंटक के फटार से निकलती है, पटना में गंगा में मिल जाती है। दामोदर छोटा नागपुर फटार से निकलती है, हुगली नदी में जाकर मिल जाती है, जमुनिया इसकी सहायक नदी है। टोंस या तमसा तैमूर पहाड़ी से निकलती है, इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। चंबल जानापाव पहाड़ी से निकलती है, यमुना में मिल जाती है, काली सिंध पार्वती बनास इसकी सहायक नदी है। बेतवा रायसेन विंध्याचल से निकलती है, हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। केन विंध्याचल मध्य प्रदेश से निकलती है, बांदा में यमुना में मिल जाती है। तो कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मुआना कहाँ पे है, ठीक है, और इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, तो इसमें सारी चीजें आपके सामने मेंशन की हुई हैं, आप आराम से इनको कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। रामगंगा तराई की डिस्टिलरी और शुगर मिल का गंदा पानी गंगा में मिला देती है। ध्यान से समझना, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक है, पहली बात। रामगंगा तराई की डिस्टिलरी और शुगर मिल का गंदा पानी गंगा में मिला देती है, रामगंगा नदी मिलाती है। शारदा नदी काली सरयू गोरी गंगा के नाम से भी जानी जाती है। गंडक नदी नेपाल में नारायणी और शालिग्राम नामों से भी जानी जाती है। कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोसी कहा जाता है। यह नदी मार्ग विक्षेपण के लिए विख्यात है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहा जाता है। तो आपसे पूछे बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे, कोसी नदी को, सिंपल है। और नारायणी और शालिग्राम किस नदी को कहते हैं, गंडक नदी को कहते हैं। काली सरयू और गोरी गंगा किसके नाम है, शारदा नदी के नाम है, ठीक है ना। और गंगा को प्रदूषित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, रामगंगा। गंगा को प्रदूषित करने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, रामगंगा, याद रखना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी के तट पर बसे हुए हैं। सोन नदी स्वर्ण रेखा और रामगंगा में सोने के कण पाए जाते हैं। सोन नदी, स्वर्ण रेखा नदी, रामगंगा नदी में सोने के कण पाए जाते हैं, ध्यान रखना है, समझ में आया। यानी कि सोन नदी के रेत में, स्वर्ण रेखा नदी के रेत में, रामगंगा नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। बिहार जलप्रपात टोंस और तमसा नदी पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात चंबन नदी पर स्थित है और चंबन नदी घड़ियालों के लिए जानी जाती है। ओरछा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ओरछा जो मध्य प्रदेश का है, ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ये फैक्चुअल चीजें याद रखना, परीक्षा में प्रश्न तो यहीं से आने वाले हैं, परीक्षा में क्वेश्चन तो यहीं से आने वाले हैं। अब बात करेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी की। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश मानसरोवर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में तिस्ता, मानस, धनसरी, गंगा, बाएं से बराक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं, जैसे तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत और तिब्बत की सीमा पर ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, भारत और तिब्बत की सीमा पर ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इसे कहते हैं ध्यांग। असम में इसे कहते हैं लोहित। बांग्लादेश में इसे कहते हैं जमुना। ये सब ब्रह्मपुत्र नदी के नाम हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के नाम हैं मेरे मित्रों, आपको याद रखना है। तिब्बत में इसे सांगपो कहेंगे, अरुणाचल प्रदेश में इसे ध्यांग कहेंगे, असम में इसे लोहित कहेंगे, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक नदियां ब्रह्मपुत्र की हैं। सहायक नदियां किसकी हैं, ब्रह्मपुत्र की। और विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली इसी नदी में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी में ही स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब कुछ छोटी नदियां देखो, माही नदी उद्गम, माही नदी जो है उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ी। माही नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ी नहीं है भाई, इसने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। माही नदी मेहंद झील से निकलती है। माही नदी जो है मेहंद झील से निकलती है, मेहंद झील,
माही नदी मेहंद झील से निकलती है, ये अरावली से उद्गम नहीं है, मैंने क्रॉस मार दिया है। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान दे लेना, माही नदी का उद्गम स्थल मेहंद झील है। माही नदी कहां से निकलती है? मेहंद झील से। ठीक है, मुआना खंबात की खाड़ी, बिल्कुल सही है। लूणी नदी उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ी, बिल्कुल सही है, अजमेर में नागपाड़ से। मुआना कच्छ का रन, इसकी सहायक नदी बहुत सारी है। साबरमती नदी का उद्गम भी अरावली की पहाड़ी अजमेर, नहीं, अरावली की पहाड़ी उदयपुर। याद रखना है मुआना खंबात की खाड़ी, अहमदाबाद इसी नदी के तट पर स्थित, सही है। महानदी उद्गम स्थल सियांग पहाड़ी मध्य प्रदेश, सही है। मुहाना बंगाल की खाड़ी, सही है। कटक शहर महानदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें जहां करेक्शन हुआ है, मैंने करेक्शन बता दिया आपको, ये काट दिया है, ये राजस्थान में उदयपुर से निकलती है, ये अजमेर से निकलती है, माई नदी मेहंद झील एमपी से निकलती है, एमपी में ये। ठीक है, नेक्स्ट, ब्राह्मणी नदी उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार, मुहाना बंगाल की खाड़ी में, राउरकेला इसी नदी के तट पर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये राउरकेला किस नदी के तट पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, इसको मैंने स्टार दे दिया, राउरकेला किस नदी के तट पर है, तो ध्यान रखना है ब्राह्मणी नदी पर। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार, मुहाना बंगाल की खाड़ी में, जमशेदपुर इसी नदी पर है, ये भी पूछ लेता है कि जमशेदपुर कौन सी नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक का पठार मध्य प्रदेश, मुआना खंबात की खाड़ी में, सहायक नदी तवा है। नर्मदा नदी अनेक प्रपातों के लिए जानी जाती है, जैसे कपिलधारा, दुग्धधारा, धुआंधार, ये याद रखना, जल प्रपात नर्मदा नदी पर। मैं लिख दूं, मेरी पिक से नहीं दिख रहे होंगे, तो एक तो है कपिलधारा, कपिलधारा, कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, तो एक तो है कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, ये सब नर्मदा नदी पर है, आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे ताप्ती नदी की, उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का मुल्ताई, बिल्कुल सही है। खंबात की खाड़ी में गिरती है नदी, ऐश्वर्य का निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है? ऐश्वर्य। गोदावरी नदी उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से, मुहाना बंगाल की खाड़ी में, सहायक नदियां हैं इसके, देखो केन गंगा है, केन है, वेन है, व्रत गंगा है, बूढ़ी गंगा भी इसे कहते हैं, याद रखना है बूढ़ी गंगा। यह दक्षिण गंगा की सबसे पुरानी नदी है, देखो यह दक्षिण गंगा की सबसे पुरानी नदी है, भारत में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, पैठण और नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखना पैठण और नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यानी कि दक्षिणी भाग में बहने वाली गंगा की, गंगा से भी पुरानी नदी है ये। ठीक है, नेक्स्ट, कृष्णा नदी उद्गम स्थल महाबलेश्वर महाराष्ट्र और मुहाना बंगाल की खाड़ी में, महाबलेश्वर महाराष्ट्र और मुहाना बंगाल की खाड़ी में, सहायक नदियां देखो पंचगंगा, दुग्ध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, मुसी, तुंगभद्रा, सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी तुंगभद्रा, तुंगभद्रा पुणे भीमा नदी के तट पर स्थित है, पुणे कहां पे है? भीमा नदी के तट पर, जबकि हैदराबाद मुसी नदी के तट पर है, हैदराबाद मुसी नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा की अगर मैं बात करूं तो तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल तुंगा गंगा की मूल छोटी से तथा मुहाना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में, कृष्णा व तुंगभद्रा के बीच का क्षेत्र रायचूर का दोआब कहलाता है, कृष्णा व तुंगभद्रा नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? रायचूर दोआब। दोआब क्या होता है? दोआब होता है दो नदियों के बीच का भाग, दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का भाग। शरावती नदी का उद्गम स्थल की अगर मैं बात करूं, शरावती नदी का उद्गम स्थल यानी कि उद्गम स्थल पश्चिमी घाट और मुहाना अरब सागर में है, भारत का सबसे ऊंचा प्रपात जोग
या गारसोपा या महात्मा गांधी प्रपात इसी नदी पर है। कावेरी नदी की मैं बात करूं तो उद्गम स्थल कर्नाटक का कुर्ग क्षेत्र और मुहाना बंगाल की खाड़ी। भाई साहब ये उद्गम क्षेत्र बहुत पूछता है नेट के एग्जाम में, याद रखना है, ठीक है। और दक्षिण की गंगा भी कही जाती है, बूढ़ी गंगा और गंगा अलग अलग है। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी जिसमें वर्ष भर जल रहता है। कावेरी एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून और लौटते हुए मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करती है, आपको याद रखना है। अन्य नदियों की अगर मैं बात करूं, अन्य नदियां तो देखो, दमन की प्रसिद्ध नदियां दमन गंगा, दमन, दमन द्वीप का नाम सुना होगा। गोवा की प्रसिद्ध नदियां मांडवी और जुवारी। केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारतपुंजा और पेरियार। मणिपुर की प्रसिद्ध नदी है बराक। इस पर तिपाई मुख्य परियोजना का निर्माण अधीन है, तिपाई परियोजना, ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये नदियों का पार्ट था जिसको मैंने पूरा कराया। तीन पार्ट आपके मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुके हैं, भारत का सामान्य परिचय पहला, दूसरा आपका मेरे परम मित्रों भारत के भौतिक प्रदेश, और तीसरा पार्ट आपका है मेरे परम मित्रों भारत की नदियां। अब चौथा पार्ट अपन अगली क्लास में पूरा करेंगे जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो, और क्लास को शेयर जरूर किया करें। अनअकैडमी पे नेट के सेक्शन में दो कोर्स है, आइकोनिक और प्लस। आइकोनिक और प्लस नेट में है, तो मेरे मित्रों आइकोनिक सबसे अच्छा कोर्स है क्योंकि इसमें आपको पर्सनल गाइडलाइन होती है, पर्सनल गाइडेंस होता है, जो आप टेस्ट देते हो उसका एनालिसिस होता है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन होती है, स्टडी मटेरियल भी आपको मिलता है, स्टडी प्लानर भी होता है, ठीक है, कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। प्लस में क्या है, लाइव क्लास होती है मेरे मित्रों, वीकली टेस्ट होता है, कोर्स का शेड्यूल होता है, अनलिमिटेड एसेस होता है। तो सबसे अच्छा अगर कोर्स लेना है तो आइकोनिक है, आइकोनिक ही आप ले। तो देखो आइकोनिक के बेनिफिट्स है, बेस्ट एजुकेटर मिल जाएंगे, इंटरटिव लाइव क्लास मिल जाएगी, कोर्स की पीडीएफ है, लाइव टेस्ट है, क्यूज है, पर्सनल कोच है, डाउट सेशन है। और आपको बस एक चीज याद रखना है, अनअकैडमी पे चाहे आप आइकोनिक कोर्स लो चाहे आप प्लस कोर्स लो, यहाँ पे कैपिटल अक्षर में रेफरल कोड यूज करें राजेंद्र 10। राजेंद्र 10 कैपिटल अक्षर में आपको यूज करना है राजेंद्र 10। अप्लाई कर देना है इसको तो आपको फीस में 10% का क्या मिलेगा, ऑफ मिलता है इससे, 10% का ऑफ मिलता है मेरे मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, वो अपन कल की क्लास में पूरा कर लेंगे। थैंक यू आप सभी को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, पीडीएफ मिल जाएगी, और आप नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। हाँ, 5 दिसंबर से नया बैच शुरू हो रहा है प्लस पे, 5 दिसंबर से, और ये सब मैंने, ये मेरे प्लस के हैं पढ़ाए हुए, 5 दिसंबर से न्यू बैच क्या होगा, स्टार्ट होगा, जिसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, कंप्लीट पेपर फर्स्ट मिलेगा और कंप्लीट पेपर सेकंड मिलेगा, कंप्लीट पेपर फर्स्ट और कंप्लीट पेपर सेकंड, दोनों पेपर आपको कंप्लीट मिलेंगे। 5 दिसंबर से अनअकैडमी पे नया प्लस कोर्स शुरू हो रहा है, और इसमें अपन 5 दिसंबर से करेंगे तो ये टारगेट रहेगा जून 2022, जिसका टारगेट हो कि मुझे जून 2022 में देना है या एग्जाम मुझे दिसंबर 2022 में देना है, ठीक है ना। थैंक यू मेरे परम मित्रों, शेयर जरूर कर देना इस क्लास को।